दोस्तों, क्या एल्विश यादव को प्लेग्राउंड्स सीजन 3 में लाने का जो डिसीजन था, या फिर यू कह लीजिए कि जो बातें थी वो सही थी? क्या एल्विश को लाना एक बहुत बड़ा स्टेप था, वो सही हुआ या नहीं हुआ? या फिर उसी के साथ साथ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या प्लेग्राउंड्स की टीआरपी कम हो गई है एल्विश की वजह से? क्या कोई मास्टर स्ट्रोक काम नहीं आया इस बार? इन पूरे चर्चाओं पर बात करेंगे, और उसी के साथ साथ प्लेग्राउंड में अब किसकी एंट्री होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, एक हिसाब से अगर देखा जाए एल्विश यादव वो नाम है यूट्यूब पे जिसको भाई बहुत सारे लोग रेफर करते हैं कि यूट्यूब का सलमान खान। बट एल्विश, देखिए एक बात क्लियर करूँ तो ये बोलने वाली बातें होती हैं कि भाई टीआरपी नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें। बट असलियत ये कि बैक ऑफ द माइंड सब जानते हैं कि जितना लगाया गया उतना मिल चुका है पैसा। बट चलिए, अगर ऊपर ऊपर से बात करें, जो लोग इस समय सोशल मीडिया पर ये बात कह रहे हैं कि एल्विश के आने के बाद टीआरपी कम हो गई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई एल्विश जब से शो से जुड़े उसके बाद टीआरपी पूरी डाउन हो गई, शो को बिल्कुल कोई टीआरपी नहीं आ रही है। बट असलियत ये है कि इवन प्लेग्राउंड्स भी फेसबुक और आप YouTube की ही बात करें तो लोगों पर उसके नीचे कमेंट भी कर रहे हैं एल्विश यादव टीआर पिकिंग फॉर द रीजन, बट व्यूज़ में बहुत अंतर दिख रहा है, ये बात मानूंगा मैं। कहाँ यहाँ पे 1 मिलियन व्यूज़ है तो यहाँ पे 538K या K में व्यूज़ दिख रहे हैं, यहाँ पे मिलियन में व्यूज़ दिख रहे हैं इसके पहले वाले सीजन में। अभी फिलहाल कुछ हिंट्स ये आए हैं, कुछ बातें ये हो रही हैं कि शायद अभिषेक मल्हान को इसके इस शो में शायद एंट्री मिल सकती है, हो सकता है एज अ गेस्ट, हो सकता है कि एज अ चैलेंजर अभिषेक मल्हान की एंट्री होने के चांसेस लोग बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है। अब मैं कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई ऐसे तो आप बोल रहे हो टीआरपी जो है वो कम हुई है, तो शो एक्सटेंड कैसे हुआ? देखिए, शो एक्सटेंड हुआ बजट की वजह से, शो एक्चुअली में एक्सटेंड हुआ है बजट की वजह से। पिछले दो सीजन बजट नहीं था तो लिमिटेड बजट थे, तो उतने टाइम में उतनी चीज़ें ही कर पाए। इस बार बजट बड़ा मिला है तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट ऐसा बताया जा रहा है कि सीजन फ्लॉप जा रहा है एल्विश यादव की वजह से। देखिए, अगर ऐसा है तो भाई हमेशा एक आदमी की वजह से फ्लॉप नहीं जाता। आप जो चीज़ टेबल पर रख रहे हो, जो भी क्रिएटिव टीम है या जो भी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं, उस बेसिस पे होता है भाई फ्लॉप और टीआरपी कम होना डिसाइड, किसी एक बंदे के चेहरे से नहीं होता। लेकिन इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।